सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो पूरी पत्रकारिता जगत के लिए एक दुख भरी खबर है। देश के जाने माने न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना कोरोना और हार्ट अटैक की वजह से आज जिंदगी का दंगल हार गए हैं। कोरोना महामारी इतनी खतरनाक साबित होती जा रही है जिसका अंदाज़ा लगा पाना भी नामुमकिन है। रोहित सरदाना आज तक के वरिष्ठ पत्रकार थे जो अक्सर शाम 5 बजे दंगल करते देखे जाते थे। आज उनके जाने के बाद कई लोगों ने रोहित सरदाना को याद करते हुए ट्विटर पर रोहित सरदाना के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार को साझा किए हैं। पत्रकार अमीश देवगन ने लिखा है कि डिवास्टेटेड माय फ्रेंड जर्नलिस्ट रोहित सरदाना नो मोर, महादेव अपने चरणों में स्थान दो। सुधीर चौधरी ने लिखा है कि उन्हें अभी अभी ये फ़ोन आया है, उसने जो कहा है उसे सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर थी, ये वायरस हमारे इतने करीब से किसी को उठा ले जाएगा ये कल्पना नहीं की थी, इसके लिए मैं तैयार नहीं था, ये भगवान की नाइंसाफ़ी है। वही दीपक चौरसिया ने लिखा है कि मैं स्तब्ध हूँ, बेहद ही दुखद खबर है, हम सब के प्रिय वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना अब नहीं रहे। वहीं बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता संबित पात्रा ने लिखा है कि रोहित सरदाना आपको हम बहुत मिस करेंगे, जीवन के अभिन्न अंग बन गए थे आप हमारे, जहाँ भी हो मेरे भाई खुश रहो, नारायण के चरणों में रहो। वहीं कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी ट्वीट करके लिखा है कि हे ईश्वर, ये सब क्या कर रहे हो और क्यों? भगवान, आपने प्रमीला के बारे में तो सोचा होता, छोटी छोटी बेटियों के बारे में तो सोचा होता, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, कैसे सहूं इस खबर को। कल तक दूसरों की मदद में लगा रोहित सरदाना आज ईश्वर के पास स्वयं पहुँच गया। ज्ञात रहे कि रोहित सरदाना ने पिछले साल कोरोना महामारी के वक्त जमाती और मरकज पर कई सारे दंगल के एपिसोड भी किए थे। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.